हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है और इसके दो बेस्ट कॉमन एग्जांपल्स मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑक्सिलरी मेमोरी, व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, क्या होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, इसके बारे में हम देखते हैं। एन ऑक्सिलरी मेमोरी इज नोन एज द लोवेस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट कैपेसिटी एंड स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में लोवेस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट कैपेसिटी और स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। इट इज वेयर प्रोग्राम एंड डेटा आर केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और व्हेन नॉट इन इमीडिएट यूज। यह वह जगह होती है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम और डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज के रूप में, यानी लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है, ना कि ये इसका यूज हम इमीडिएट यूज के लिए करते हैं। इट मीन्स जो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी है होती है वह प्लेस होती है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम या डेटा जो है वो लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है, ना कि इमीडिएट यूज के लिए। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज आर मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। जो हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी की सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो दो हैं, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। ओके फ्रेंड्स, मैग्नेटिक डिस्क, व्हाट इज मैग्नेटिक डिस्क। अ मैग्नेटिक डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेट कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेटिक डिस्क एक सर्कुलर प्लेट है जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के साथ कोटेड प्लास्टिक अथवा मेटल से बनाई गई होती है। ऑफन बोथ साइड ऑफ डिस्क आर यूज्ड। प्रायः हम डिस्क के दोनों किनारों यानी दोनों साइड्स का यूज करते हैं। एंड सेवरल डिस्क मे बी स्टैक्ड ऑन वन स्पैंडल विद रीड राइट हेड अवेलेबल ऑन ईच सरफेस। प्रत्येक सरफेस पर अवेलेबल रीड राइट हेड के साथ एक स्पैंडल पर कई डिस्क यानी कि सेवरल डिस्क एक साथ स्टैक हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं डिस्क के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। All disk rotate together at high speed and are not stopped or start for access purpose. सभी disk जो है high speed पर एक साथ rotate होते हैं और access purpose के लिए इसे start या stop नहीं किया जा सकता, ठीक है friends. Bits are stored in magnetized surface in spots along concentric circle called frag, ठीक है friends. इट मीन्स बिट्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स के साथ स्पॉट्स में मैग्नेटिक सतह पर यानी मैग्नेटाइज्ड सरफेस पर स्टोर किया जाता है, जिसे ट्रैक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। द ट्रैक आर कॉमनली डिवाइडेड इंटू सेक्शंस कॉल्ड सेक्टर। जो ट्रैक हमारा होता है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसे हम सेक्टर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन मोस्ट सिस्टम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर इज अ सेक्टर। मतलब मोस्टली सिस्टम्स में क्या होता है, जो हमारी मिनिमम क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन की मिनिमम क्वांटिटी जो है जिसको कि हम सेक्टर्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं। द सब डिवीजन ऑफ वन डिस्क सर्फेस इंटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। जो हमारी डिस्क के सर्फेस, मतलब जो एक डिस्क का सर्फेस होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर्स में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपके सामने मैग्नेटिक डिस्क का डायग्राम शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैक्स में और सेक्टर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। हम सेक्टर्स में जो है ट्रैक होते हैं, ट्रैक पे हम जो है स्पॉट्स के रूप में अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं और इस पे जो है रीड राइट हेड दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक सरफेस होती है, मतलब कि जो हमारी डिस्क की सरफेस होती है, उस पर रीड राइट हेड अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका है मैग्नेटिक डिस्क का डायग्राम, ठीक है। ये सेक्टर्स हैं ऐसे ऐसे, और इसको हम सेक्टर्स को भी जो है ट्रैक्स में मतलब डिवाइड किया, मैग्नेटिक डिस्क को दो पार्ट्स में, सेक्टर्स और ट्रैक्स में, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सम यूनिट्स यूज अ सिंगल रीड राइट हेड फॉर ईच डिस्क सरफेस। कुछ यूनिट्स जो हैं सिंगल रीड राइट हेड, मतलब प्रत्येक सरफेस, डिस्क सरफेस के लिए सिंगल रीड राइट हेड का यूज करती हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट द ट्रैक एड्रेस बिट आर यूज्ड द मैकेनिकल असेंबली टू मूव द हेड इनटू स्पेसिफाइड
ट्रैक पोजीशन बिफोर रीडिंग राइटिंग, ठीक है। इस टाइप के यूनिट्स में जो है ट्रैक एड्रेस बिट जो हमारी होती है, मतलब इस प्रकार के यूनिट में पढ़ने लिखने के लिए यानी रीड राइट के से पहले स्पेसिफाइड ट्रैक जो होती है उसमें हेड को ट्रांसफ़र यानी मूव करने के लिए एक मैकेनिकल असेंबली द्वारा ट्रैक बिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अदर डिस्क सिस्टम में जो है रीड राइट हेड जो है प्रत्येक सरफेस या प्रत्येक ट्रैक के लिए सेपरेट प्रोवाइड किया गया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टाइप की यूनिट जो है हमारी वो मोर एक्सपेंसिव होती है और बहुत ही लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड। परमानेंट टाइमिंग ट्रैक्स का यूज किया जाता है, मतलब इस डिस्क में हम परमानेंट टाइमिंग ट्रैक्स को यूज करते हैं बिट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए और सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, और डिस्क सिस्टम इज एड्रेस्ड बाय एड्रेस बिट, मतलब जो डिस्क सिस्टम है वो हमारा एड्रेस बिट के द्वारा एड्रेस्ड किया जाता है, जो कि डिस्क नंबर, डिस्क सरफेस, सेक्टर नंबर और सेक्टर्स के अंदर ट्रैक्स को स्पेसिफाई करता है, ओके फ्रेंड्स। आफ्टर द रीड राइट हैश पोजिशन द स्पेसिफाइड ट्रैक द सिस्टम हैज टू वेट अंटिल द रोटेटिंग डिस्क रीच द स्पेसिफाइड सेक्टर अंडर द रीड राइट हेड, मतलब रीड राइट हेड के अंदर जो हमारा है कि हमारी डिस्क तब तक रोटेट करती है जब तक कि वो स्पेसिफाइड ट्रैक तक ना पहुंच जाए, यानी जो हमारी स्पेसिफाइड ट्रैक पोजीशन है हमारा दिया हुआ है, जब तक हमारा हेड वहां तक ना पहुंच जाए तब तक हमारी डिस्क जो है रोटेट करती है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इज़ वेरी फास्ट वंस द बिगिनिंग ऑफ सेक्टर हैज़ बीन रीच्ड, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही फास्टली ट्रांसफ़र होती है जब एक बार हमारा सेक्टर जो है पहुंच जाता है वहां तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्टली ट्रांसफ़र होती है। डिस्क में भी मल्टीपल हेड्स एंड साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र ऑफ बिट्स फ्रॉम सेवरल ट्रैक एट द सेम टाइम, डिस्क के पास जो है बहुत सारे हेड्स होते हैं और हमारा इंफॉर्मेशन डेटा जो है बिट्स के वो साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र होते हैं सेवरल ट्रैक पर, सेम टाइम में साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र होते हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क दैट आर परमानेंटली अटैच टू द यूनिट, मतलब डिस्क जो कि परमानेंटली यानी अस्थाई रूप से यूनिट से अटैच्ड होती है, यूनिट असेंबली से जो अस्थाई रूप से परमानेंटली मतलब अटैच्ड होती है एंड कांट बी रिमूव्ड बाय द ओकेजनली यूजर आर कॉल्ड हार्ड डिस्क, और उसे हम ऐसे हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, यानी जो हमारी डिस्क परमानेंटली यूनिट असेंबली से अटैच्ड होती है उसे हम किसी ओकेजनली यूजर के लिए के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, उसे ही हम हार्ड डिस्क कहते हैं। अ डिस्क ड्राइव विद रिमूवल डिस्क इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क, और जो हमारी एक डिस्क ड्राइव होती है और रिमूवल डिस्क, जो हमारी रिमूवल डिस्क के साथ डिस्क ड्राइव होती है उसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। द डिस्क यूज विद अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और स्मॉल रिमूवल डिस्क, मतलब कि जो हमारी डिस्क यूज की जाती है फ्लॉपी, जो फ्लॉपी डिस्क के साथ हमारी डिस्क ड्राइव यूज की जाती है वो डिस्क को मतलब इजली रिमूव कर देती है, जो कि किसी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल के थ्रू या के द्वारा कोटेड होती है, ओके फ्रेंड्स। देयर आर टू साइज कॉमनली यूज, मतलब यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क है दो साइज का कॉमनली यूज होता है, एक तो है इसका डायमीटर 5.25 और दूसरा है 3.5 इंचेस के, यानी जो हमारे पास दो कॉमनली साइज है मैग्नेटिक डिस्क का जिसे हम यूज करते हैं, पहला है 5.25 और दूसरा है 3.5 इंचेस की, ये दो टाइप की हैं जो हम यूज करते हैं। द 3.5 इंच डिस्क आर स्मॉलर एंड कैन स्टोर मोर डेटा देन कैन 5.25 इंच डिस्क, मतलब कि जो हमारा 3.5 इंच का डिस्क है वो छोटी होती है और ज़्यादा डेटा स्टोर करती है विद कंपेयर 5.25 इंच की डिस्क के, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आर एक्सटेंसिवली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क का यूज हम जो है पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर टू कंप्यूटर, यानी मीडियम या मतलब मीडियम साइज़ के जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम मतलब यूजर के लिए करते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का यूज हम मोस्टली क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यानी PCs के लिए यूज करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक टेप होता क्या है, ओके फ्रेंड्स। मैग्नेटिक टेप क्या होता है। अब मैग्नेटिक टेप ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट
to provide the parts and control mechanism for a magnetic tape unit. एक मैग्नेटिक टेप ट्रांसपोर्ट जो है मैग्नेटिक टेप यूनिट के लिए प्रोवाइड किए गए पार्ट्स और कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, द टेप इट्सेल्फ इज अ स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटाइज्ड रिकॉर्डिंग मीडियम. टेप ही एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम के साथ यानी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग माध्यम के साथ कोटेड प्लास्टिक की एक स्ट्रिप यानी कि पट्टी है. ठीक है फ्रेंड्स, बिट्स आर रिकॉर्डेड एज मैग्नेटिक स्पॉट ऑन द टेप अलोंग सेवरल ट्रैक्स. बिट्स को कई जो है ट्रैक्स सॉरी बिट्स को कई ट्रैक्स के साथ टेप पर मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, यूजुअली 7 or 9 बिट्स आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली टू अ फॉर्म ऑफ करेक्टर टुगेदर विद अ पैरिटी बिट. नॉर्मली यानी कि आमतौर पर जो है 7 or 9 बिट्स को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी करेक्टर को यानी पैरिटी बिट के साथ किसी भी करेक्टर को बनाने के लिए 7 or 9 बिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, और प्रत्येक हेड पर रीड राइट को मतलब कि लगाया जाता है प्रत्येक ट्रैक पर मतलब कि रीड राइट हेड्स को लगाया जाता है ताकि जो हमारा डेटा है वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड हो सके. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक टेप यूनिट्स कैन बी स्टॉप्ड स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड और इन रिवर्स और कैन बी रिवर्ट. मैग्नेटिक टेप यूनिट्स को हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इसे दोबारा से भी रिवाउंड यानी घुमा सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, हाउ नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर दे कैन नॉट बी स्टार्टेड एंड स्टॉप फास्ट एनफ बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर. जब कभी ये मतलब कि स्टार्ट या स्टॉप फास्टली नहीं हो पाते इंडिविजुअल कैरेक्टर के बीच में, फॉर दिस रीजन इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन ब्लॉक्स रेफर एज अ रिकॉर्ड. मतलब कि इस रीजन के लिए इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन ब्लॉक्स रेफर्ड टू एज रिकॉर्ड. यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है. ठीक है, एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है जिसे हम रिकॉर्ड के नाम से रेफर करते हैं. गैप ऑफ अनरिकॉर्डेड टेप आर इंसर्टेड बिटवीन रिकॉर्ड्स. मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया जाता है उनके बीच गैप को भी मतलब जो उनके बीच गैप होते हैं उन्हें हम अनरिकॉर्ड करते हैं. वेयर द टेप कैन बी स्टॉप, वहाँ पे स्टॉप हमारी टेप जो है स्टॉप हो जाती है. यानी कि जैसा कि आपको बताया गया कि मैग्नेटिक टेप यूनिट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकते हैं और इसको दोबारा से भी फिर घुमा सकते हैं. यानी कि अगर हमारा कभी भी जो है फास्टली हम करेक्टर को जब हम मतलब कि रिकॉर्ड करते हैं तो ये फास्टली नहीं हो पाता. तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है ब्लॉक्स में जिसे हम रिकॉर्ड के नाम से रेफर करते हैं उनके बीच स्पेस हो जाते हैं यानी कि गैप हो जाते हैं. इन गैप को भी हम जो है हमारी जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट होते हैं हमारे जो वो गैप हो जाते हैं उनको उस टाइम पे हमारा जो टेप क्या होता है स्टॉप हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, यानी कि अपने सिक्वेंस में डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है विदाउट गैप. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है द टेप स्टार्ट्स मूविंग वाइल इन अ गैप एंड अटेन इट्स कॉन्स्टेंट स्पीड बाय द टाइम रीच टू नेक्स्ट रिकॉर्ड. यानी टेप एक अंतराल में जब स्टार्ट मतलब चलना शुरू करता है और अगले रिकॉर्ड तक पहुंचने पर अपनी जो कंटिन्यूटी यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड प्राप्त करता है. टेप पर प्रत्येक रिकॉर्ड की शुरुआत और अंत में एक जो आइडेंटिफाइंग बिट पैटर्न होता है. ठीक है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं बाय रीडिंग द बिट पैटर्न एट द बिगनिंग. यानी कि बिगनिंग स्टार्टिंग में ही हम बिट पैटर्न्स को रीड करने कर लेते हैं. शुरुआती में ही हम बिट पैटर्न्स को पढ़ने से टेप कंट्रोल रिकॉर्ड मतलब संख्या की पहचान करता है. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग में ही हम बिट पैटर्न्स को रीड करने से लेकर द टेप कंट्रोल आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड नंबर, जो हमारा टेप है वो कंट्रोल आइडेंटिफाई रिकॉर्ड नंबर की पहचान करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है बाय रीडिंग द बिट पैटर्न. ठीक है, बिट पैटर्न को रीडिंग से
एट द एंड ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के एंड पर द कंट्रोल रिकॉग्नाइज द बिगिनिंग ऑफ द गैप, मतलब कि स्टार्टिंग से जितना भी गैप है, इट मीन्स इसका कहने का रिकॉर्ड के अंत में बिट पैटर्न को पढ़ने से, कंट्रोल करने से, एक जो हमारा अंतराल की शुरुआत को पहचानता है, यानी इनके बीच जो गैप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, यानी उनको पढ़ने से लेके उनको स्टोर करने, कंट्रोल करने से लेके इनके बीच के जो गैप हैं सबको वो रिकॉग्नाइज करता है। अ टेप यूनिट इज एड्रेस बाई स्पेसिफाइंग द रिकॉर्ड नंबर, जो हमारी टेप यूनिट होती है वो एक स्पेसिफाइड रिकॉर्ड नंबर से एड्रेस की जाती है, यानी एक स्पेसिफाइड रिकॉर्ड नंबर से उसे हम जानते हैं। एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में भी फिक्स और वेरिएबल हैं, जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे रिकॉर्ड करने हैं वो फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल लेंथ में भी हो सकते हैं। तो आपका ये था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो जिस ब्लॉक में स्टोर होते हैं उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, और वो एक स्ट्रिप यानी एक पट्टी में, मैग्नेटिक स्ट्रिप के फॉर्म पे रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पट्टी के रूप में स्टोर होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।